हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेली नर्सिंग डोज। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है एनीमा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एनीमा का इंट्रोडक्शन। इसमें किसी भी पेशेंट के रेक्टम के थ्रू लोअर बाउल में फ्लूड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है बाउल को क्लीन करने के पर्पज से, या फिर बाउल में मेडिकेशन इंट्रोड्यूस कराने के लिए, या फिर पेशेंट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए एनीमा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमा का क्लासिफिकेशन। जो एनीमा है उसको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इवैक्यूएंट एनीमा, सेकंड वन है रिटेन्ड एनीमा। इवैक्यूएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हमें खाली करना हो। रिटेन का मतलब कि रिटेन करके रखना काफी समय तक। तो जो इवैक्यूएंट एनीमा है वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो कि फर्स्ट वन है सिंपल एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा, कोल्ड या फिर आइस एनीमा। और जो मेडिकेटेड एनीमा है वो भी फर्दर फाइव टाइप्स में डिवाइड है, ऑयल एनीमा, फर्गेटिव एनीमा, एस्ट्रिंजेंट एनीमा, एंटहेलमिंथिक एनीमा और कार्मिनेटिव एनीमा। जबकि जो हमारा रिटेन्ड एनीमा है वो फाइव टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन है स्टिमुलेंट एनीमा, सेकेंड वन है न्यूट्रिएंट एनीमा, थर्ड वन इमोलियंट एनीमा, फोर्थ वन सिडेटिव एनीमा और फिफ्थ वन है एनेस्थेटिक एनीमा। तो ये तो था एनीमा का क्लासिफिकेशन। अब हम इसको ब्रॉडली पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवैक्यूएंट एनीमा के बारे में। इसमें जो फर्स्ट वन है वो है सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा। ये जो एनीमा है ये डेफिकेशन को स्टिमुलेट करने के लिए और कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए काम में लाया जाता है। इसमें जो सॉल्यूशन यूज होते हैं वो फर्स्ट सॉल्यूशन है सोप एंड वाटर। इसमें 50 ml सोप जेली को 1 liter ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं। सेकेंड है हमारे पास नॉर्मल सलाइन। इसमें 1 tablespoon सोडियम क्लोराइड को 1/2 liter वाटर में डिजोल्व करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। और जो थर्ड वन है वो है टैप वाटर। अब है इसकी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यूज। तो जो अडल्ट चिल्ड्रन और इन्फेंट्स हैं उनमें हम अलग अलग अमाउंट में यूज़ करते हैं। जो अडल्ट में हम अमाउंट देते हैं वो है 500 to 1000 ml, चिल्ड्रंस के लिए 250 to 500 ml और इन्फेंट्स के लिए 250 ml या फिर लेस देन 250 ml अमाउंट हम यूज़ करते हैं। अब जो एनीमा सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो जो अडल्ट हैं उसमें 105 डिग्री फॉरेनहाइट से 110 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर होना चाहिए सॉल्यूशन का। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें 100 डिग्री फॉरेनहाइट का टेम्परेचर हम रखते हैं। ये सारी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड वन आता है हमारा ऑयल एनीमा। जो ऑयल एनीमा होता है वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में हम यूज़ करते हैं, जिससे कि जो फीकल मैटर है वो सॉफ्ट हो जाए और ईजिली पास आउट हो जाए। ऑयल एनीमा में जो हम सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं वो है ऑलिव ऑयल, स्वीट ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, जिसका रेशो होता है 1:2। और जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होती है वो 115 to 175 ml हम यूज़ करते हैं। और जिसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता यूज़ करते हैं। थर्ड वन आता है परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा को हम बॉवल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए देते हैं, जिससे जब बॉवल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बॉवल के अंदर जितने भी कंटेंट और जो फीकल मैटर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो इवैक्यूएट हो जाएंगे और पास आउट हो जाएंगे। इसमें जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं वो प्योर ग्लिसरीन 15 to 30 ml यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन एंड वाटर 1:2 में यूज़ करते हैं। ग्लिसरीन एंड कैस्टर ऑयल 1:1 में यूज़ करते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट को 60 to 120 ml मैग्नीशियम सल्फेट को हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं। अब जो इसकी अमाउंट होती है परगेटिव एनीमा की वो 115 ml to 175 ml यूज़ करते हैं। और जो इसका टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वन आता है कार्मिनेटिव एनीमा। इसको हम एंटी स्पाजमोटिक भी बोलते हैं। जो कार्मिनेटिव एनीमा होता है उसे हम एब्डोमन डिस्टेंशन को रिलीव करने के लिए और जो फ्लैटस और पीसीज होते हैं उनको उनके एक्सपल्जन के लिए या फिर उसके एक्सपेल आउट करने के लिए यूज़ में लाते हैं। जिसमें सॉल्यूशन यूज़ होते हैं वो है टर्पेंटाइन 8 से
16 ml टर्पेंटाइन को हम मिक्स करते हैं 600 टू 1200 ml ऑफ सॉप सॉल्यूशन में और फिर इसको यूज में लाते हैं। सेकंड सॉल्यूशन है मिल्क एंड मोलासेस, 90 to 230 ml ऑफ मोलासेस को अच्छे से मिक्स करते हैं इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क के साथ। वन इज एंड हेलमिंथिक एनीमा, ये इंटेस्टाइन में जब वार्म हो जाते हैं तो उन वार्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनको एक्सपेल आउट कराने के लिए काम में लिया जाता है। इसमें जो सॉल्यूशन यूज होते हैं, फर्स्ट वन है इन्फ्यूजन ऑफ क्वेशिया, 15 ग्राम चिप्स को 60 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जाता है और फिर यूज करते हैं। सेकेंड वन है हाइपरटोनिक सलाइन, इसमें 60 ml सोडियम क्लोराइड को 600 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसके बाद यूज करते हैं। इसका जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 250 ml। सिक्स आता है एस्ट्रिंजेंट एनीमा, जो एस्ट्रिंजेंट एनीमा होता है वो टिश्यू और जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, इससे ब्लीडिंग और इन्फ्लामेशन को भी चेक किया जाता है। ये म्यूकस डिस्चार्ज की अमाउंट को लेस कर देता है, कम कर देता है, और जिस एरिया में इन्फ्लामेशन होती है उसको टेम्परेरी रिलीफ करवाता है। जो एस्ट्रिंजेंट एनीमा है वो कोलाइटिस और डिसेंट्री में मेनली यूज में लाया जाता है। इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो है टैनिक एसिड, 2 ग्राम टैनिक एसिड को 600 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं। सेकेंड वन है एलम, 30 ग्राम एलम को 600 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व किया जाता है और फिर यूज किया जाता है। जो टेम्परेचर होता है सॉल्यूशन का वो उतना हॉट रखा जाता है जितना कि क्लाइंट उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। नेक्स्ट वन आता है हमारा कोल्ड एनीमा, या फिर इसको हम आइस एनीमा भी बोलते हैं। कोल्ड एनीमा बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए काम में लाया जाता है और ये मेनली हाइपरपायरेक्सिया और हीट स्ट्रोक के कंडीशन में काम में लाते हैं और इसको कोलोनिक इरिगेशन की फॉर्म में दिया जाता है। जो कोल्ड एनीमा है उसका टेम्परेचर 80 टू 90 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। जो रिटेन एनीमा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।